नमस्कार, मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और स्वागत करता हूं आपका नागौर के नंबर वन शो नागौर हेडलाइंस में। रियाबड़ी के निकटवर्ती ग्राम बैरुंदा में सर्व समाज के लोगों ने हाल ही में क्षेत्र में हुए दरिंदगी के मामले में विरोध प्रकट करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर उप तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार घासीराम डूडी को सौंपा ज्ञापन। इस मौके पर सभी व्यापारियों ने सर्वसम्मति से बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए रैली में हुए शामिल। इस मौके पर प्रधान जसवंत सिंह थाटा ने संबोधित करते हुए व्यापारियों एवं अन्य संगठनों द्वारा स्वेच्छा से रैली में शामिल होने तथा बाजार बंद रखने के लिए जताया आभार। ज्ञापन के माध्यम से दरिंदे को फांसी की सजा दिलवाई जाने की गई मांग। नागौर जिला मुख्यालय पर कल एसपी के नवाचार के तहत दिल्ली दरवाजा स्थित पुलिस चौकी पर जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ आयोजित। जन सुनवाई में सीओ विनोद कुमार सिप्पा तथा अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों ने आमजन की सुनी समस्याएं, साथ ही लोगों को अपना कर्तव्य समझते हुए यातायात नियमों की पालना करने की दी गई हिदायत। सीओ विनोद कुमार सिप्पा ने इस मौके पर बताया कि यातायात के नियमों की अवहेलना की वजह से बढ़ रही है सड़क दुर्घटनाएं, साथ ही हाल ही में स्कूल खुलने के बाद स्कूली बच्चों के भी सड़कों पर आवाजाही को लेकर बरतना चाहिए खास ध्यान। और जो कि यहाँ के स्थानीय जो भी मुद्दे थे वो डिस्कस किए गए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी इन मुद्दों का निराकरण करें और आगामी जब दिनांक में या जन सुनवाई होगी उसमें हम मुद्दों के निराकरण के साथ में उनके साथ में बात करेंगे। सर, जो अभी स्कूलें खुली है उनके बारे में आप क्या कहें? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी, अभी छोटे बच्चे काफ़ी दिनों बाद में स्कूल में एडमिशन हुआ है उनका, पहली क्लास से लेकर पाँचवीं क्लास तक छोटे बच्चे हैबिचुअल नहीं हैं, जिन पे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी स्कूल सड़क पे है, मेन मुख्य सड़क पे, वो ये बच्चे जब एग्ज़िट करें या आए तो विशेष तौर पर ध्यान दें, कोई व्हीकल या वगैरह ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो, इसलिए विशेष अवेयरनेस के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ। अभिभावक और जो भी स्कूल का स्टाफ है वो इस पर पूरा ध्यान दे, धीरे धीरे बच्चे हैबिचुअल हो जाएंगे स्कूल से जैसे आते आने के जाने के, लेकिन जब तक वो हैबिचुअल नहीं होते तब तक विशेष ध्यान दें। जायल पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में कल अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भड़के जनप्रतिनिधि प्रधान जिमना देवी गोदारा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने आगामी 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों के संघ अभियान के दौरान अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग करने का किया आग्रह। वहीं विकास अधिकारी ललित कुमार यादव ने आज आयोजित होने वाले दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर में 100% जरूरतमंद दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने में सहयोग करने की अपील। बैठक में सरपंच संघ अध्यक्ष महिपाल थालोड़ और पंचायत समिति सदस्य हेतराम बिश्नोई ने आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अन्य जगहों पर हो रही अनियमितताओं तथा बैठक में खनिज अभियंता सहित अन्य अधिकारियों की अनुपस्थिति पर प्रकट किया रोष। बैठक में सड़कों के प्रस्ताव के साथ साथ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कराने का किया गया आग्रह। नागौर जिले में बहुचर्चित रीट परीक्षा को पास कराने की एवज में 10-10 लाख का सौदा करने वाले नकल गिरोह के 5 सदस्यों को कल कोर्ट ने भी नहीं दी राहत। 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर कल आरोपियों को किया गया कोर्ट में पेश। पुलिस ने पूछताछ और जांच का हवाला देकर 5 दिन की और मांगी रिमांड। कोर्ट ने 1 अक्टूबर से 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड की दी है मंजूरी। इस अवधि के दौरान नकल गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं इसकी की जाएगी पूछताछ। उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में होंगे कई और खुलासे। आरोपियों की ओर से कोर्ट में जमानत की लगाई गई थी याचिका, परंतु कोर्ट ने भेजा है पीसी रिमांड पर। गौरतलब है कि शोपिया कॉलेज संचालक, उसके भाई एवं 3 शिक्षकों को दलाल के रूप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार, जिन्हें राज्य सरकार की ओर से कर दिया गया है निलंबित।
नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डकोसी गांव में कटानी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर गांव के जोया की ढाणी के लोगों ने नागौर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि नागौर बासनी मुख्य सड़क पर से होकर जाने वाले मुख्य एवं व्यस्त कच्चे रास्ते का राजस्व में रिकॉर्ड नहीं होने से भविष्य में हो सकती है परेशानी। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम की उत्तरी सीमा में दाहिनी ओर जोया की ढाणी और मदरसा तक चलने वाले कटानी रास्ते का जल्द किया जाना चाहिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज। जोया की ढाणी हमारे गांव दुकोसी में ये बरसों से रह रही है, 3-4 पीढ़ी गुजर गई इनकी, और इनमें न तो कोई पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था करी तो वो धीरे धीरे हुई, और धीरे धीरे हम पानी की व्यवस्था भी कराना चाहते हैं। और बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ रहे, बासनी रोड है वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में से हमारे को रास्ता चाहिए, सरकारी रास्ता चाहिए। यह रास्ता अभी कागजों में नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब से हमारी निवेदन है, हम सब इतने बच्चे और बूढ़े सभी यहाँ खड़े हैं रास्ते के लिए खड़े, और हमें कोई नहीं चाहिए और कोई चीजी जगह नहीं, हमें फालतू जगह नहीं चाहिए, यह रास्ता सबके काम आने वाला है। रियाबड़ी उपखंड के लामपोलाई में हुई 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने से टक्कर, 1 युवक की मौके पर हुई मौत तो 3 अन्य हुए घायल। जानकारी के अनुसार लामपोलाई निवासी युवक यशपाल की मौके पर हुई मौत तथा 3 अन्य घायलों को अजमेर किया गया रेफर। छोटी खाटू कस्बे में मंगलवार को पुलिस चौकी प्रांगण में खुनकुना थाना अधिकारी धर्मपाल मीणा और चौकी इंचार्ज पुकाराम डूडी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ जन सुनवाई कार्यक्रम। कार्यक्रम में CLG सदस्य, ग्राम रक्षक एवं अन्य गणमान्य लोगों के साथ साथ फरियादी भी रहे मौजूद। नवपदस्थापित थाना अधिकारी ने पुराने प्रकरणों की जानकारी लेकर जल्द निस्तारण की कही बात। वहीं कई मामलों में फरियादियों के परिवार से सीधा संवाद कर राहत प्रदान करने का भी किया प्रयास। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं 30 सितंबर से रियाबड़ी उपखंड में उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटावास रहेगा। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र संदर्भ केंद्रों से किए जा सकते हैं प्राप्त। जिले में कल फिर बदला मौसम का मिजाज। जिला मुख्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद कहीं बूंदाबांदी तो कहीं जमकर बरसे मेघ। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश से किसानों में छाई चिंता, पक्की पकाई फसलों सहित मेहनत पर गिरा पानी। कई खेतों में लबालब पानी भरने से फसलें पहुंची नष्ट होने की कगार पर, वहीं बारिश के साथ तेज हवाओं से बाजरे की फसल को भी हुआ नुकसान। PTET परीक्षा 2021 का परिणाम कल उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया जारी। परीक्षा में 6 लाख विद्यार्थियों ने भरा था फॉर्म, जिसमें से 5,33,000 रहे थे उपस्थित। 2 वर्षीय BEd के लिए कला संकाय में कंचन कंवर, विज्ञान संकाय में साहिल खान और वाणिज्य संकाय में साक्षी पुरी ने किया टॉप। वहीं 4 वर्षीय BEd संकाय में कला संकाय में नवीन पुरी ने किया एग्जाम को टॉप। सिटी नगर पालिका में मनोनीत किए गए 6 पार्षद शिवरतन वाल्मीकि, मोहम्मद जुबेर उस्मानी, गोपाल हटीला, ममता भाटी, नरेश गोलिया और हनुमान बालोटिया बने मनोनीत पार्षद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 परीक्षाओं की संभावित तिथि को किया घोषित। संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए 19 दिसंबर तथा ग्राम विकास अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए 27 एवं 28 दिसंबर 2021 तय की है संभावित तिथि। रियाबड़ी के ग्राम आलनीवास में खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में सहायक खनिज अभियंता एवं वन विभाग की टीम द्वारा अवैध बजरी खनन एवं निर्गमन पर कार्रवाई करते हुए आलनीवास के निकट खनन कर रहे बजरी माफियाओं से 1 JCB मशीन एवं 1 डंपर ट्रक को मौके से जब्त कर थावला पुलिस थाने को किया सुपुर्द तथा लगाया 4,42,500 रुपये का जुर्माना। इसी प्रकार अन्य कार्रवाई के लिए नागौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने खनन विभाग को 25 सदस्यों का प्लाटून करवाया उपलब्ध।
कुचामन सिटी के निकटवर्ती पांचवा रोड सुल्तानपुरा गांव के निकट खराब सड़क के चलते पलटी पिकअप, गनीमत रही कि पिकअप चालक बचा बाल बाल। आसपास मौजूद लोगों ने क्रेन की सहायता से पिकअप को करवाया सीधा तथा ड्राइवर को सकुशल निकाला बाहर। छोटी खाटू कस्बे के श्री कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक महिला की बच्चेदानी में करीब 1.5 किलो वजनी गांठ निकालने का हुआ सफल ऑपरेशन। डॉक्टर यादव ने बताया कि महिला द्वारा कई अस्पतालों में जांच करवाने के बाद राहत नहीं मिलने पर कल कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद चोपड़ा एवं उनकी टीम ने 3 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद गांठ को निकाला बाहर। मकराना में आज आयोजित होने वाले उपखंड स्तरीय दिव्यांग जन विकलांगता शिविर के लिए अधिकारियों ने जायजा लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी, पुलिस उपाधीक्षक रविराज सिंह, विकास अधिकारी धन सिंह महेचा, पंचायत समिति सहायक अभियंता महावीर बांगड़ा, कोषाधिकारी अब्दुल मजीद खिलजी सहित अन्य अधिकारी इस मौके पर रहे मौजूद। वहीं मकराना शहर के मंगलाना रोड पर वसुंधरा नगर में नियमों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के बावजूद पुनः शुरू करने पर वसुंधरा नगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। साथ ही मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जूसरी के दानक्या नाडा में लंबे समय से जलापूर्ति की समस्या के चलते राजकीय विद्यालय में नलकूप का करवाया गया खुदाई का कार्य शुरू। वहीं जिला रसद अधिकारी अजमेर के पद पर कार्यरत अंकित पचार को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त करने के आदेश जारी करने के विरोध में राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के नेतृत्व में मकराना तहसील के राशन डीलरों द्वारा बर्खास्त किए गए आदेशों का किया गया विरोध। इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों पर कुचामन सिटी उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने उपखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। 2 विद्यालयों में अनियमितताओं के चलते जारी किए कारण बताओ नोटिस। विद्यालय में भौतिक उपस्थिति एवं रजिस्टर में एंट्री में भिन्नता पाई जाने पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 श्रीराम नगर कुचामन सिटी की अध्यापिका इंदिरा कुमावत को जारी किया है नोटिस। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरवणपुरा में अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षाकर्मी रत्नाराम को भी जारी किया है कारण बताओ नोटिस। यह है News 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।